Hello everyone, welcome back to our science class. In the last video, we talked about the different kinds of nutrients, the complex forms of nutrients and what are their simpler forms. हमने बात की थी कि कौन कौन से nutrients किस किस form में simple form में convert होते हैं, मतलब जो मालाएं हैं वो पूरी माला जो है complex form है और जिसका single single bead है वो simple form है, right? तो मैं आपको एक बार दोबारा से वो बता देती हूँ, लाइक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. सो कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च, हम इस केस में कार्बोहाइड्रेट्स को ई एस है, ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो स्टार्च है, ऑलराइट, इट गेट्स, उसका जो एक सिंगल यूनिट है दैट इज ग्लूकोज. बाय यूनिट, लेट मी टेल यू, बाय यूनिट आई मीन दैट वन बीड ऑफ दैट एंटायर चेन, वो पूरी चेन का एक बीड को हम यहाँ पे यूनिट बोल रहे हैं. ओके, सो बाय दैट वन यूनिट आई मीन बीड. ओके, वन बीड इज इक्वल टू वन यूनिट. ठीक है, तो इन दैट, इन केस ऑफ स्टार्च दैट वन बीड और वन यूनिट इज ग्लूकोज. इन केस ऑफ फैट्स आई टोल्ड यू दैट वन यूनिट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, योर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ठीक है, एक जो बीड है इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ऑलराइट. एंड फाइनली इन केस ऑफ प्रोटीन्स, जस्ट बहुत लोग ना स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, इट इज ऑलवेज ई आई एन एस. ओके, प्रोटीन्स की जो स्पेलिंग है इट इज ऑलवेज पी आर ओ टी ई आई एन एस, कई लोग आई ई एन एस लिख देते हैं. ओके, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. ओके, सो प्रोटीन्स का क्या है, जो एक सिंगल बीड है या एक सिंगल यूनिट है, व्हाट इज इट कॉल्ड, एमिनो एसिड. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, ऑलराइट, सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर. नाउ कमिंग बैक टू द न्यू टॉपिक, कि आपके डाइजेशन के दौरान होता क्या, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द डाइजेशन. सो बिफोर दैट आई जस्ट wanted to show this picture. Okay, this is a picture of a digestive tract or the alimentary canal. ठीक है, so alimentary canal. As I told you, what does the word canal mean? It means a long tube. ठीक है, यानी पूरी buccal cavity, इसको हम buccal cavity भी बोलते हैं, BUCCAL. Okay, buccal cavity. Why is it called a cavity in the first place? Because एक खाली जगह है, cavity मतलब एक खाली जगह, एक hollow space, hollow space. ठीक है, जो हमारा mouth है खाली, एक खाली hole type है, hollow type है ना, so it is a cavity. ठीक है, so buccal cavity से लेकर पूरा नीचे दूसरी opening कौन सी है, anus. दो openings है, एक buccal cavity और दूसरी है anus. बाकी पूरी एक continuous tube है. ठीक है ना, तो ट्यूब है, कैनाल है, इसलिए हम इसको एक कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. ऑलराइट, ओके, सो होता क्या है, जब हम फूड बाइट या लेते हैं माउथ से लेते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग द फूड बाइट थ्रू द माउथ. ठीक है, ये फूड बाइट है. अब यहाँ पे हो कह रहे हैं, यहाँ पे ना आपके कुछ ग्लैंड होते हैं जो इसमें शो नहीं किए हुए, आई जस्ट ड्रॉ देम इधर. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे, या फिर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया. ऐसे कुछ ना यहाँ पे ग्लैंड्स बना देती हूँ ब्लू कलर से और ऐसे ग्रीन कलर से. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज ग्लैंड्स, दीज आर सलाइबरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये ग्लैंड्स है, रिमेम्बर दीज आर नॉट ऑर्गन्स, ये ग्लैंड्स हैं. क्यों हम इनको ग्लैंड्स बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सलाइवा यानी थूक. सलाइवा एक चीज नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी मेनी सब्सटेंसेस. ठीक है, और ये कहाँ से बनता है, ये बनता है सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर. ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड, जो आपके फेरिंग्स के बिल्कुल पास में होते हैं. फेरिंग्स आपको बताया था, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, राइट. दिस इज योर फेरिंग्स, ये वाला पार्ट, फिर नीचे आकर वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं इनटू योर, दिस इज द फ्रंट वन इज द विंड पाइप एंड द बैक वन इज द फूड पाइप. ठीक है, ये जो कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, इससे बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे आपके ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. जस्ट राइट द स्पेलिंग अगेन, सलाइवा है सलाइवरी, आर वाई लगा दो, सॉरी लगा दो, वो सलाइवरी हो जाएगा.
ओके सो ये जो आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है ये बनाते हैं सलाइवा, ठीक है, विच वी कॉल एज थूक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वी ऑल नो कि जब भी हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं जो हमें बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हो गया, छोले भटूरे हो गए, राजमा चावल, वॉट एवर, ओके, जो भी आपको बहुत पसंद है जिसके बारे में आप सिर्फ सोचो, जरूरी नहीं वो चीज सामने हो, सोचने पर से भी आपको मुंह में पानी आने लगेगा। नो वॉट इज दैट पानी? दैट इज नथिंग बट योर सलाइवा, वो आपका सलाइवा होता है। ऑलराइट, सो अब वो सलाइवा में होता क्या क्या, क्वेश्चन ये है। तो सलाइवा होता है कि हमारे माउथ में सलाइवा क्यों होता है, इसका क्या रीजन है? तो देखो, एक तो बेसिक रीजन हमें ये समझ में आता है कि भाई माउथ की जो कैविटी है ताकि वो ड्राई ना हो, ठीक है, वो सूख ना जाए। कई बार हम बोलते हैं ना मेरा मुंह सूख गया मुझे पानी पीना है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता जब हमारा मुंह सूख जाता है, ठीक है, इट इज नॉट गुड। तो दैट इज वाई टू कीप द माउथ मॉइस्ट, ठीक है, ताकि वो सूखे ना, उसको मॉइस्ट रखने के लिए, ठीक है, सलाइवा होता है। सलाइवा का एक मेन रोल है टू कीप द माउथ मॉइस्ट, माउथ को या बकल कैविटी को मॉइस्ट बना के रखना, ठीक है, ताकि वो ड्राई ना हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ सलाइवा। अच्छा, दूसरी चीज क्या समझ सकते हो, व्हाट डू यू थिंक? कैन आई से सलाइवा ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल कि जब हम थूक के साथ कोई भी चीज आप खाते हो तो यू इट फील्स लाइक कि वो मुंह में मेल्ट हो रही है कि नहीं? इट फील्स लाइक वो मुंह में मेल्ट हो रही है, राइट? अगर आप कोई बिस्किट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, मेल्ट लगता है, ऐसे मेल्ट हो रही है, घुल रही है, मतलब है ना, जब कॉफी टॉफी खाई, टॉफी का साइज छोटा हो जाता है कि नहीं? टॉफी खाते खाते छोटी हो जाती है, चूसते हो जब आप उसको, तो चूसने का क्या, जब आप चूसते हो तब होता क्या है, जो सलाइवा है वो मिक्स हो जाता है टॉफी के साथ, ठीक है। टॉफी किससे बनती है? शुगर से, ठीक है ना। और आपको मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि हमारे माउथ में जो शुगर है यानी स्टार्च है, ठीक है, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? ग्लूकोज में, ठीक है, पूरी तरह नहीं, कुछ फॉर्म में, नहीं पूरी तरह, मैं ये नहीं बोलूंगी स्टार्च ग्लूकोज में हो जाती है। स्टार्च अगर ऐसे उलझी हुई है स्टार्च, ठीक है, तो वो आपके माउथ में कुछ हद तक सुलझ जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी कुछ हद तक, अराउंड 30%, ठीक है, ये आपके माउथ में होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सलाइवा हेल्प करता है इसमें। तो सलाइवा का एक और फंक्शन क्या हुआ कि इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। सो द थिंग इज कि सलाइवा के अंदर आपका एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है, जैसे बायो कैटलिस्ट, रिमेम्बर व्हाट इज अ बायो कैटलिस्ट, क्योंकि लिविंग बींग्स के अंदर जो कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ठीक है। आई टोल्ड यू आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, कि अगर उसे एक मिनट में होना है विदाउट एंजाइम, तो विद एंजाइम यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो आधे मिनट में हो जाएगा या कुछ सेकेंड में हो जाएगा, मतलब इट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, येस और नो? सो बायो कैटलिस्ट है यानी वो इसका जो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे कि रिएक्शन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जैसे रिएक्शन है वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो स्टेप है जिसमें ये माला जो है ये छोटी छोटी माला में कट रही है, इट इज गेटिंग, एक किसमें कट रही है, छोटी छोटी माला में, सॉरी, एक ही माला को मैंने तीन छोटी छोटी मालाज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ठीक है, जिसमें एक माला छोटी छोटी मालाज में कट रही है, ठीक है, या चेन्स में कट रही है, ये भी एक टाइप का रिएक्शन है, कैन आई से दैट? तो इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए भी यानी इसका रेट इंक्रीज करने के लिए भी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, कैन आई से दैट? है ना, ऑब्वियसली यस, है ना। सो अब आप खुद देखो, जैसे आप मुंह में कुछ डालते हो तो कितनी देर लगती है उसको घुलने में? विद इन अ सेकेंड और समथिंग आपको लगता है कि घुलने लगा, स्पेशली अगर आप कोई मीठी चीज खाओ, मीठी चीज में तो स्टार्च होगी ना। अगर आप राइस खाओगे तो घुलने लगते हैं मुंह में, या कोई भी चीज अगर खा रहे हो तो मुंह में आप घुलने लगता है। तो मतलब क्या है घुलने का क्या मतलब है, मेल्ट होने का क्या मतलब है, मेल्टिंग इन माउथ, इसका क्या मतलब है कि वो ब्रेक डाउन शुरू हो गया है, मतलब ये माला टूटनी शुरू हो गई है। तो कितनी देर में टूटनी शुरू हो जाती है, विद इन अ सेकेंड और समथिंग, इसका क्या मतलब है कि देयर इज एन एंजाइम जो कि हेल्प कर रहा है कि ये फटाफट से एक सेकेंड में ही फटाफट से जितना भी ब्रेक डाउन कर सकती है उतना कर दे,
है ना, आपको बताया 30% अराउंड 30% ब्रेक डाउन हो जाता है आपके माउथ के अंदर, है ना। तो सलाइवा के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है विच हेल्प्स इन दिस ब्रेक डाउन, ये भी एक टाइप का रिएक्शन है। अब किस चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, स्टार्च का, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, और आपका प्रोटीन और फैट एज इट इज रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो हम यहाँ से स्टार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा एंजाइम है सलाइवा के अंदर विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इन टू स्मॉलर चेन्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, एक बीट जो है ये ग्लूकोज है, तो स्मॉलर चेन्स ऑफ ग्लूकोज, है ना, ब्रेकडाउन ऑफ दिस लार्ज चेन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर चेन्स ऑफ ग्लूकोज, ये जो रिएक्शन है इसको कौन कैटलाइज कर रहा है, तो उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, आपके थूक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी हमने जो एक्टिविटी की थी, अगर आपको याद हो जो मैंने वो राइस वाटर वाली जो एक्टिविटी करी है, ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें भी यही चीज बताई गई है। जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, हमने राइस वाटर लिया था और हमने वो लिया था आटा लिया था जिसमें हमने आयोडीन डाल के देखा था, ठीक है, जो आयोडीन सॉरी आयोडाइज सॉल्ट डाल के देखा था, बिकॉज आयोडीन इज नॉट अवेलेबल एट होम्स। तो ब्लूइश, और साथ में हमने थोड़ा सा लेमन जूस डाला था, ब्लू ब्लैक कलर आया था उसमें, यस और नो, ब्लू ब्लैक कलर आया था, ठीक है, कुछ इस तरीके का कलर आया होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का कलर आया था, ठीक है। अब ये क्यों होता है, जब स्टार्च जो है, जब वो माला के फॉर्म में है, जो स्टार्च है, ठीक है, जब वो सपोज मैंने माला बनाई स्टार्च की, अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है, ठीक है, जब ये आयोडीन, मैंने मान लो आयोडीन बना दिया, ये मैंने आयोडीन बना दिया, ठीक है, जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी, स्टार्च प्लस आयोडीन, ये आयोडीन किसमें प्रेजेंट है, आयोडाइज सॉल्ट के अंदर, ठीक है, तो जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ जब रिएक्ट करेगी तो एक ब्लू कलर चीज फॉर्म होगी, ब्लू कलर सब्सटेंस, ठीक है, और यही हमें ब्लू कलर दिखता है जब हम ये रिएक्शन करते हैं, तो ठीक है। तो स्टार्च अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है, ठीक है, एज इट इज पूरी माला है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन अभी तक नहीं हुई है, वो तभी ये कलर शो करेगी ब्लू ब्लैक, ठीक है। ये एक चीज थी पार्ट ए में, ये था, ठीक है, मैं दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए में ये चीज थी यानी ब्लू ब्लैक कलर आया था, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या था, यानी दूसरे पार्ट में क्या था, उसमें हमने क्या डाला था, आई आस्क यू ऑल टू एड सलाइवा इनटू इट, याद है मैंने बोला था सलाइवा डालना उसमें, तो यू सॉ कि उसमें जो ब्लू ब्लैक कलर था, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लैक कलर मैंने यहाँ बनाया है, ये वाला जो कलर था वो धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो गया, डिड यू नोटिस दैट, वो लाइट वो डिजोल्व होना शुरू हो गया, हल्का सा लाइट हुआ, उसके बाद और लाइट हुआ, होते होते वो बिल्कुल ही गायब हो गया, है कि नहीं, लाइट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा था, दिस इज द क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं आपको, अब खुद सोचो, स्टार्च जब 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 मैं सलाइवा डालूंगी स्टार्च के अंदर, सलाइवा के अंदर क्या है, एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट एंजाइम, इट इज कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, यस और नो, सलाइवरी एमाइलेज उसे बोलते हैं उस एंजाइम को, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज जो है वो क्या कर रहा है, वो स्टार्च को हेल्प कर रहा है ब्रेक डाउन होने में इंटू स्मॉलर चेन्स, कैन आई से दैट, इंटू स्मॉलर चेन्स, मैंने तीन चार चेन्स बना दिए, ठीक है, तीन चेन चार चेन्स बना दिए, ठीक है। अब ये जो स्टार्च है ब्रेक डाउन हो गई चार छोटी छोटी चेन्स में भाई, लेकिन जो आयोडीन है वो तो पूरी स्टार्च के साथ रिएक्ट करती है कि नहीं, इट विल नॉट रिएक्ट विद दी स्मॉलर चेन्स, वो इन स्मॉलर चेन्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी आयोडीन, जब वो रिएक्ट नहीं करेगी स्मॉलर चेन्स के साथ तो जो ब्लू कलर है ये आएगा ही नहीं, एम आई राइट। सो जो ऑलरेडी ब्लू था जब आपने उसमें सलाइवा डाला तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि जो आयोडीन है वो जो पहले आयोडीन आपकी जो बाउंड थी, असल में हो क्या रहा था, आपकी जो आयोडीन बाउंड थी स्टार्च के साथ, मान लो ये स्टार्च है और आपकी जो आयोडीन है वो ये कलर की मैंने बनाई थी, ठीक है, इसके साथ चिपक गई थी, जिसके साथ ये कलर आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ ऐसा कलर आ रहा था, ठीक है, सोल्यूशन में, ओके। अब क्या, जब वो छोटी छोटी माला में, जब वो टूट गई है, जो स्टार्च है वो छोटी छोटी माला में डिवाइड हो गई है, तो जो ये आयोडीन थी जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, ठीक है, ये अलग हो गई है,
ये अलग हो गई है और ये तीनों में से किसी के साथ बाइंड नहीं करेगी, इट विल नॉट बाइंड विद एनी ऑफ दीज थ्री, ठीक है, ये अलग हो गई है। तो क्या हुआ कि जो पहले ब्लू कलर आया हुआ था वो होले होले क्या होना शुरू हो जाएगा, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है, वो डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो हल्का हल्का होते 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 बिल्कुल ही आपका डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा नो कि मतलब वो क्या शो कर रहा है कि जो स्टार्च है वो टूट चुकी है, वो टूट चुकी है बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, ठीक है, बाय दैट एक्शन उसके उसके कैटलाइज करने की वजह से जो जो सलाइवर सॉरी जो स्टार्च है इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू दी स्मॉलर चेन्स ऑफ ग्लूकोज, जिसकी वजह से जो आयोडीन है इट इज नॉट बीइंग एबल टू बाइंड विद एनी ऑफ दी स्मॉल चेन्स, जिसकी वजह से वो जो ब्लू कलर आया था वो डिसअपेयर हो गया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज वॉट वॉट हैपन्स इन दैट एक्सपेरिमेंट। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में